मैं अंजलि जैन और आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। बाल श्रम, बाल श्रम, बाल श्रम, आखिर कब कसेगा बाल श्रम पर कड़ा शिकंजा। शहर में अलग अलग जगह से 5 बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए श्रम विभाग की टीम ने पकड़ा। सभी बच्चे 14 साल से कम उम्र के पाए गए। देखिए ये रिपोर्ट। बाल श्रम, बाल श्रम, बाल श्रम, आखिर कब कसेगा बाल श्रम पर कड़ा शिकंजा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बाल मजदूरी के खिलाफ कड़े कानून के तहत कार्रवाई की बात करती है और 14 साल से कम उम्र के गरीब बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकालती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के बनाए बाल मजदूरी के खिलाफ बने कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ऐसा ही आज बाल मजदूरी का एक मामला प्रकाश में आया। ऐसा है, फिरोजाबाद हमेशा से बाल श्रम के नाम पे बदनाम रहा है, तो शासन के निर्देश पर ये बच्चों को रेस्क्यू किया गया है लेबर डिपार्टमेंट द्वारा। तो आज 5 बच्चे बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो समिति ने अभी CMS मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि उनका मेडिकल कराएं, और मेडिकल कराने के बाद सहायक श्रम आयुक्त महोदय को निर्देश दिए हैं कि वो बच्चों को पुनः प्रस्तुत करें। बच्चों की DCP द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी और उनके परिजनों को सूचना पहुंचा दी गई है। जिन बच्चों की सूचना अभी नहीं पहुंच पाई हैं उन बच्चों के, और सूचना पहुंच जाएगी ताकि उन बच्चों के गार्जियन उन बच्चों से मिल पाएँ, और उन गार्जियन को भी JJ Act के तहत निर्देश दिए जाएंगे कि बच्चों से बाल श्रम ना कराएँ। अगर वो ऐसा दोबारा कराते हैं तो उनके खिलाफ भी कानून का कार्रवाई का प्रावधान है JJ Act में। सर, आपकी संस्था के द्वारा भी क्या इस टाइप से कई सर्वे कराए जाते हैं, कराए जाएंगे आगे भी? देखिए, बाल कल्याण समिति न्यायपीठ जो है बच्चों के लीगल गार्जियन है बच्चों की, तो ये तो बच्चों के हक में जहाँ भी ऐसा लगेगा बाल कल्याण समिति को कि उनके हक में कुछ होना चाहिए, तो वो बाल कल्याण समिति समय समय पर करती रहती है और समय समय पर बच्चों के इस तरह से रेस्क्यू करते रहते हैं हम लोग। और प्रयास ये रहता है उन गार्जियनों के बीच में जाके लोकल लेवल पे हम लोग कम्युनिटी में मीटिंग भी करते हैं कि बच्चों से बाल श्रम ना कराएं। केवल एक्ट पे यही नहीं कि हम एक डंडा, कानूनी डंडा रखें, नहीं, एक पोलाइट वे भी है, एक रास्ता है कि बच्चों के लिए कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाए उनके गार्जियन के बीच बैठ के कि वो बच्चों से बाल श्रम ना कराएं। जिसमें सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय की टीम द्वारा फिरोजाबाद में अलग अलग जगहों से दुकान पर बाल मजदूरी करते हुए 5 बच्चों को टीम ने पकड़ा और बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया, जिसमें समिति द्वारा काउंसलिंग व बच्चों का सरकारी मेडिकल कराकर परिवार को सौंप दिया जाएगा। बच्चों की उम्र लगभग क्या? एक बच्चे की उम्र 14 से ज्यादा लग रही है, 14 से 18 के बीच में है, बाकी 4 बच्चों की उम्र 14 से नीचे ही लग रही है। किन किन प्रतिष्ठानों से? जैसे एक बच्चा मैं आपको बता रहा हूँ, मैसर्स गोपाल स्वीट हाउस है जी, एक बच्चा पकड़ा गया गोपाल स्वीट हाउस से, सौरभ जी, एक बच्चा सागर पूल पॉइंट है, एक बच्चा पकड़ा गया दाऊ जी कलेक्शन, एक राधे सूट कलेक्शन, और एक बच्चा पकड़ा गया है मुकेश स्वीट हाउस। इन बच्चों को लेके CWC के सामने पेश किया गया है और कल इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें ये तय होगा कि इनकी एक्चुअल उम्र क्या है, ये CMO द्वारा ये परीक्षण होता है। क्या आगे भी इस टाइप की कार्रवाइयाँ निरंतर हो? ये तो कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं और बीच बीच में अभियान भी आते हैं। इस समय अभियान भी चल रहा है, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अभियान भी चल रहा है, जिसमें अभी सिटी मजिस्ट्रेट को भी इसकी जानकारी दी गई, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी इस टीम में हैं। अब सवाल ये उठता है कि कब इस बाल मजदूरी पर पूर्ण तरह से रोक लग पाएगी, सरकार कब बाल मजदूरी करने वाले लोगों के लिए कोई सख्त कानून बनाएगी। अब देखना ये है कि जहां ये बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे वह दुकान संचालक, जिनमें गोपाल स्वीट हाउस, सागर पूल पॉइंट, राधे कलेक्शन, दाऊजी मिष्ठान एवं अन्य दुकानों के खिलाफ भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाएगी।